बेटे इस आवाज को सुनकर आप धोखा मत खाइएगा कि रसल वाली पर करके। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और अभी हम लोग बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे लोग क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट इनके क्रिकेट के बीच में एक जीव ऐसा है जो इनके नेट पर आकर फंस गया है बुरी तरीके से और वो अपने आप को निकाल नहीं पा रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जीव क्या है। दोस्तों, ये सांप एक इंडियन रॉक पाइथन है जिसको यहाँ पे लोकल में अजगर कहा जाता है हिंदी में। बट ये बिना जहर वाला ज़रूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सांप है। ये अपने मसल्स पावर के थ्रू किसी की भी जान ले सकता है। बहुत बुरी तरह से फंसा है। देखो, इस आवाज को सुनकर आप धोखा मत खाइएगा कि रसल वाली पर करके। इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है कि ये खुद को किसी भी तरीके से निकाल नहीं पा रहा है। हम मानव द्वारा निर्मित जो भी हम लोगों ने इंसानों ने बनाया वो अपनी सुविधा के लिए तो बनाया है, लेकिन उनकी वजह से कितने ही सारे जीव जंतु जो होते हैं वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। रुक जा। दोस्तों, ये जितना गुस्से में है वो मेरे को 100% बाइट कर देगा। बाइट मार देगा। कहाँ चढ़ाई है? ऊपर से लाइव मैच देख रहे हैं। उसे गर्दन के पास का है।
दोस्तों अगर मैं इसका मुंडी नहीं पकड़ती तो मुझे अभी ये काम नहीं करने देता। दोस्तों मैं आप लोगों को इसका दांत दिखाना चाहूंगी कि आखिरकार इनका जो लेयर होता है वो दो लेयर्स में होता है, दोनों तरफ होता है और हुक की तरफ फंसा होता है। अगर गलती से भी आपकी स्किन पर चमड़ी में जाकर जब घसते अंदर तो ये हुक की तरह अपनी बॉडी को फंसा लेते हैं, इनके दांतों को फंसा लेते हैं हुक की तरह, और छुड़ा पाना बाकी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये देखिए दोस्तों इसके दांत। तो हमेशा सांप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी का कारण होता है, तो हम लोग अपने काम के जरिए लोगों के बीच में जो सांपों के लिए डर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इन जीव जंतुओं की रिस्पेक्ट कर सके और इस धरती पे ये बने रह सके। तो दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपने और अपने पर्यावरण का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो है हंसदेव बचाओ। हंसदेव यहाँ छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा जंगल है जिसको कोयला खान के माइंस के लिए काटा जा रहा है, और उस माइंस को बनाने के लिए लगभग 2.5 लाख से 5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, और इसकी वजह से हम मानव जाति तो छोड़िए जीव जंतुओं के लिए भी उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उस जंगल में हाथी भालू और बहुत से जीव हैं। और जैसे जैसे ये पेड़ कटेंगे ये याद रखिएगा कि हम अपने इंसानों के लिए भी सबसे ज़्यादा बुरा कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ साथ भूमिगत जल स्तर कम होगा, पर्यावरण में जो हमारा जो टेम्परेचर लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और हम इंसान नेचुरली बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये जो पेड़ है ये हमको ऑक्सीजन के साथ साथ हमें रहने के लिए योग्य वातावरण भी प्रदान करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार सबको हमारे साथ बोलिए अपनी वीडियो के माध्यम से, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आप दोनों से ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ में अपना हस्तक्षेप करिए, इंटरफेरेंस करिए और इस चीज़ को नहीं होने दीजिए। और ये युवा पीढ़ी आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती है तो साथ में बोलिए सेव हंसदेव। हाँ डाल दीजिए, रिलीज तो करनी है, कितना सुखी होती है। नहीं पकड़ना है भी नहीं आपको। चलो।